जानिए कौन है निर्देशक अमित शर्मा, प्रदीप सरकार जैसे निर्देशक का ऑफर क्यों ठुकरा दिया था उन्होंने। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। अमित रविंद्रनाथ शर्मा एक भारतीय निर्देशक और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविजन विज्ञापनों के निर्देशक के रूप में काम करते हैं। आइए आज हम आपको उनके फिल्म करियर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। अमित शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता भारत सरकार के लिए काम करते थे। 2001 में मुंबई शिफ्ट होने से पहले और अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 6 सालों तक प्रदीप सरकार के साथ काम किया। 2 साल बाद उन्होंने प्रदीप का साथ छोड़ दिया था और 2004 में उन्होंने आलिया सेन और हेमंत भंडारी के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी क्रोम पिक्चर्स की स्थापना की। उसी साल बाद उन्हें प्रदीप की एक फिल्म परिणीता में एक असिस्टेंट की भूमिका ऑफर हुई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। साल 2014 में अमित को निर्माता बोनी कपूर द्वारा फिल्म तेवर के निर्देशन के लिए आमंत्रित किया गया था और हालांकि फिल्म को नेगेटिव रिव्यू ज्यादा मिले। इसके बाद उन्होंने फिल्म बदाए हो के निर्देशन पर काम शुरू कर दिया, जिसकी शूटिंग 2017 में शुरू हो गई थी। निर्देशन के अलावा उन्होंने इसे जंगली पिक्चर्स के साथ मिलकर अपने पिक्चर्स बैनर क्रोम पिक्चर्स के तहत प्रोड्यूस भी किया था। आपको बता दें कि फिलहाल अमित पूर्व फुटबॉल कोच शायद अब्दुल रहीम के जीवन और करियर पर आधारित फिल्म मैदान की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण बोनी कपूर कर रहे हैं। फिल्म इसी साल 15 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है ऋचा गर्ग।